हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप पोस्ट पेड सिम को आप प्रीपेड कैसे कर सकते हैं। इसमें सारी डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं पोस्ट पेड को प्रीपेड करना, हाउ टू कन्वर्ट पोस्ट पेड टू प्रीपेड। तो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे थ्री लाइंस पे क्लिक करेंगे, ठीक मेन्यू पे क्लिक करेंगे। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद प्रोफाइल एंड सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे सिंपल सा, ठीक। आप माई जियो एप्लीकेशन ओपन करना है, आपको लॉगिन कर लेना है वहाँ पे और प्रोफाइल एंड सेटिंग्स पे क्लिक करना है, ठीक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सारी आपकी डिटेल्स आपके सामने आ जाती है, ठीक। यहाँ पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं स्विच टू प्रीपेड यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जियो की तरफ लोडिंग ले रहा है, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे आपको बिल पे करना है, जो भी आपका पेंडिंग बिल है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 483 रुपीज़ और 35 पैसे जो भी है वो बिल है, इसको प्रोसेस टू पे क्लिक करेंगे सिंपल सा। और आपको बिल पे करेंगे तभी यहाँ पे हो सकेगा, वरना नहीं हो सकेगा। पूरा पे करना है पूरा का पूरा बिल, और फिर ऑटो वाला नहीं करना है, ऑटो वाला पहले से है। तो अब पे विथ पे नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप किसी भी तरीके से पे कर सकते हैं, ठीक। UPI यहाँ, फिर आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं पे। बाकी फ़िलहाल मैं UPI से करूँगा, ठीक। UPI से करता हूँ, मोर एप्लीकेशन देख के क्रेड का यूज़ करके पे नाउ पे क्लिक करूँगा, ठीक। मैं क्रेड को ओपन कर लूँगा, जिस भी एप्लीकेशन से आप ओपन कर रहे हो पेमेंट उसी से आप ओपन कर लेते हैं, ठीक। मैं यहाँ से पे कर लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे मैं अपना पिन कोड डाल देता हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा पिन कोड, ये UPI की तरफ से हाइड रहता है, ठीक। उसके बाद में आपका जो है पेमेंट हो जाता है, यहाँ पे बिल का पेमेंट हो जाता है। और उसके बाद में हम जाएंगे बैक, कैशबैक बाद में क्लेम करेंगे, ठीक। इसके बाद में हमारा जो है पेमेंट हो चुका है, ठीक है। आप देखिए इट्स सक्सेसफुली। एंड उसके बाद में जो है प्रोसेस, यहाँ पर लिख रहे हो पेमेंट विल बी क्रेडिट इन पोस्टपेड अकाउंट शॉर्टली एंड डन पे क्लिक करेंगे, ठीक। डन पे क्लिक किया, आस्क मी लेटर पे क्लिक करेंगे और पेमेंट हमने कर दिया है। फिर से हम मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक। इसके बाद में स्विच टू प्रीपेड के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक। अब हमने पूरा का पूरा बिल पे कर दिया, जो भी हमारा पेंडिंग बिल था। माइग्रेट टू प्रीपेड, कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शन आपके देख रहे हो, कन्फर्म योर डिटेल्स, चूज योर प्रेफर, जो भी प्लान है वो कंप्लीट योर पेमेंट एंड रीस्टार्ट योर डिवाइस। तो हम गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक। गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स नज़र आ जाती है, और पोस्ट पेड कौन सा था पोस्ट पेड यहाँ पे सारी कर सकते हैं, और फिर प्रोसेस पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे प्लान भी आप अपना देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद प्रोसेस पे क्लिक करना है आपको, ठीक। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद OTP आएगा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, ठीक। जो ही वही रजिस्टर मोबाइल नंबर जो पोस्ट पेड आप प्रीपेड कर रहे हो, ठीक, उसी पे OTP आएगा। OTP को यहाँ पे एंटर करना है, ठीक। मैं OTP को एंटर करने के बाद मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, टर्म एंड कंडीशन को आप एक्सेप्ट कर लेना, फिर सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक। इसके बाद क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक प्लान सेलेक्ट करना है आपको, पॉपुलर जो भी प्लान होते हैं यहाँ पे जियो की तरफ से वो प्लान आपको सेलेक्ट करना है, ठीक। उसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप कौन सा प्लान रखना चाहते हैं, जो आने वाले समय के अंदर यूज़ करेंगे आप, ठीक। फिलहाल छोटा प्लान रख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं सब द डेज का प्लान रख रहा हूँ फिलहाल। 3 GB डे नहीं रखूँगा मैं, सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल प्लान जो मुझे प्रेफर लगे मैं वो करूँगा डाउनलोड अस्का, ठीक। बाय पे क्लिक करूँगा, ठीक। प्रोसेस टू कन्फर्म पे क्लिक करूँगा, ठीक। इसके बाद में किसी से भी मैं पेमेंट कर लूँगा यहाँ पे जो मुझे प्रेफर लगेगा, ठीक। मैं यहाँ से जियो खुद का UPI यूज़ कर रहा हूँ पेमेंट करने के लिए। उसके बाद मैं एयरटेल पेमेंट बैंक यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी बैंक आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको सही लगे, ठीक। मैं पे कर देता हूँ यहाँ पे, और UPI पिन आपको हाइड नज़र आ रहा होगा, ठीक। इसके बाद मैं प्रोसेस पे क्लिक करूँ, यही प्रोसेस है। इसी तरह आप प्रीपेड कर सकते हैं अपने जो भी पोस्ट पेड सिम कार्ड को, आप प्रीपेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और ये रिक्वेस्ट आपकी है, आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा एक बार डिवाइस अपना। रीस्टार्ट करेंगे तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा पोस्ट पेड के अंदर, ठीक। इसके बाद में यहाँ पर रेफरेंस नंबर आपके सामने आ गया, मोड आ गया, ठीक। डन पे क्लिक करेंगे, ये आपका प्रीपेड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और अब आपको एक बार रीस्टार्ट कर देना फ़ोन। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।